हेलो एंड वेलकम बैक टू द लिटरेरी ग्रामर विद अदिति। आज हम करने वाले हैं चैप्टर मैडम राइड्स द बस बाय वल्ली कन्नन। वल्ली कन्नन उनका सूडो नेम है, उनका रियल नेम है आर एस कृष्णसामी। ही इज अ तमिल राइटर, जर्नलिस्ट है, क्रिटिक है एंड तमिल की जो लिटरेचर है उसको ट्रांसलेट भी करते हैं। ये स्टोरी ओरिजिनली यानी कि सबसे पहले तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी जो कि वल्ली कन्नन ने लिखी थी। लेटर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है के एस सुंदरम ने। ओके, सो मैडम यहाँ पे कौन है? एक 8 इयर्स ओल्ड गर्ल जिसका नेम है वल्ली। शी इज जस्ट 8 इयर्स ओल्ड बट अ वेरी क्यूरियस गर्ल। उसके मन में एक छोटी सी डिजायर थी कि उसको बस की राइड करनी थी, और जब वो बस में बैठती है क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं यही सब इस स्टोरी में बताया गया है। ये जो चैप्टर है वो काफी लेंदी है तो इसका एक्सप्लेनेशन भी लेंदी होगा, बट आई विल ट्राई कि कम टाइम में ही ये कंप्लीट स्टोरी विद ऑल इम्पोर्टेंट डिटेल्स कवर हो जाए एंड यू कैन गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को ताकि और भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फर्स्ट हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। अब ये जो स्टोरी है ये एक सेंसिटिव स्टोरी है। Why is it a sensitive story? क्योंकि इस स्टोरी में हम ये देखेंगे कि जो मेन कैरेक्टर है 8 साल की लड़की वल्ली, जब वो बस में घूमने जाती है तब उसे लाइफ और डेथ की मिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि लाइफ क्या होती है और डेथ क्या होती है, एंड दैट इज वाई राइटर ने इसे एक सेंसिटिव स्टोरी कहा है। एंड हम सबको पता है कि जो भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, हमें मरना तो है बट इसे एक्सेप्ट करना कि हाँ एक दिन हम सब मर जाएंगे, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना एक बहुत ही अलग बात है। और वल्ली को भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस मिलता है कि उसे ये रियलाइज हो जाता है कि डेथ क्या होती है एंड कैसे हर लिविंग बीइंग को एक ना एक दिन मरना ही होता है। ओके, सो ये तो बैकग्राउंड हो गया स्टोरी का। तो एक 8 साल की लड़की थी जिसका नेम था वल्लीमई, जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है एंड शॉर्ट में इसे वल्ली कहा जाता था। ये बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थी, क्यूरियस मतलब चीजों को जानने की जिज्ञासा रहती थी उसे, हर बात को जानना चाहती थी। एंड उसका फेवरेट पास्ट टाइम या इसको उसकी हॉबी भी कह सकते हैं, तो वो अपने घर के मेन डोर पे यानी कि एंट्रेंस पे जाकर खड़ी रहती थी एंड बाहर की स्ट्रीट को, रोड को, वहां पे जो भी एक्टिविटीज हो रही होती थी वो देखा करती थी। एंड वल्ली के घर के आसपास में नेबरहुड में वल्ली के एज के कोई बच्चे नहीं थे एंड दैट इज द रीजन कि वो किसी के साथ खेल नहीं पाती थी। तो एक ही काम था उसके पास, वो सारा दिन डोरवे पर खड़े होकर आते जाते लोगों की एक्टिविटीज को, व्हीकल्स को देखती रहती थी। एंड वल्ली के लिए दरवाजे पर खड़े होना किसी गेम को एंजॉय करने से कम नहीं था। जैसे कि दूसरे छोटे छोटे बच्चे गेम खेलकर फन करते हैं, एंजॉय करते हैं, बिल्कुल वैसे ही वल्ली अपने घर के एंट्रेंस पे खड़े होकर हर चीज को देखना, व्हीकल्स को देखना एंजॉय करती थी, फन करती थी। एंड वो सारी चीजें देखना उसके लिए एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस होता था बिकॉज वो हर थोड़ी देर में कुछ नया देखती थी, कुछ अलग देखती थी। बट सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज क्या लगती थी वल्ली को? फैसिनेटिंग मतलब अट्रैक्टिव। तो वल्ली को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्या लगता था? उसको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती थी वो बस जो उसके गांव से पास के शहर तक जाती थी एंड वो बस उसी स्ट्रीट से पास होती थी वेयर वल्ली यूज्ड टू लिव। एंड ये जो बस है ये हर एक घंटे के बाद उसकी स्ट्रीट से पास होती थी, कभी वो पास वाले टाउन जा रही होती थी तो कभी वहां से वापस आ रही होती थी। तो एवरी टाइम जब भी वो बस क्रॉस होती थी तो उसमें नए पैसेंजर्स होते थे, तो वल्ली हर बार न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स देखकर बहुत खुश हो जाती थी। अब डे बाय डे जब भी वल्ली बस को देखती थी वो बहुत खुश हो जाती थी, इतना ज्यादा हैप्पी फील करती थी वो, तो उसके मन में एक इच्छा जगने लगी, एक छोटी सी विश उसके मन में क्रैप्ट होने लगी। क्रैप्ट मतलब होता है मूव स्लोली एंड केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग हर्ड और नोटिस्ड। यानी कि जो वल्ली थी वो अपनी विश को किसी को बताना नहीं चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी विश को नोटिस करे। बट वो इच्छा थी क्या? उसकी विश थी कि वो भी इस बस में एक राइड लेना चाहती थी, ओनली फॉर वंस। अब वल्ली के मन में बस में राइड लेने की चाहत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अब वो क्या करती थी, बस में चढ़ने वाले उतरने वाले पैसेंजर्स को बहुत ही ध्यान से घूरती थी और उसके मन में ये विश होती थी कि वो भी ये राइड ले। और जब भी वो बस उसकी स्ट्रीट के कॉर्नर पे रुकती थी तो वल्ली सारे पैसेंजर्स को घूरती रहती थी एंड जब जब इन पैसेंजर्स के फेस वो देखती थी तो वल्ली के अंदर एक विश जग जाती थी, उसके अंदर अलग अलग ड्रीम्स चलने लगते थे एंड वो होपफुल हो जाती थी कि काश वो भी इस बस में राइड कर पाएगी।
आगे राइटर बता रहे हैं कि अगर कभी वल्ली की फ्रेंड बस में राइट लेती थी एंड उसको बताती थी कि उसने बस से क्या क्या देखा, शहर कैसा था, तो वल्ली बहुत जेलस हो जाती थी। वो उन बातों को सुन नहीं पाती थी और जोर जोर से इंग्लिश में प्राउड प्राउड चिल्लाने लगती थी। अब ना तो वल्ली को और ना ही उसकी फ्रेंड को प्राउड वर्ड का मतलब पता था। वो बस एज अ स्लैंग इस वर्ड को यूज करते थे। स्लैंग मींस इनफॉर्मल वर्ड्स व्हिच वी यूज विद इन अ क्लोज ग्रुप, जो कि ऑफिशियल नहीं होते, बल्कि कुछ ग्रुप हैं उनने इसे ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह अपना लिया है और उसे आपस में यूज कर लेते हैं। तो जब भी वल्ली और उसकी फ्रेंड एक दूसरे की बात से सहमत नहीं होते थे, डिसअप्रूव करते थे, तो वो चिल्लाने लगती थी प्राउड प्राउड, और इससे उनका यही मतलब होता था कि वी डोंट एग्री। मतलब उसकी फ्रेंड जो भी कह रही थी, वल्ली उस बात को नहीं मान रही थी, वो डिसएग्री कर रही थी उसकी बात से, बिकॉज वो जेलस थी। तो काफी सारे दिन बीत जाते हैं, मंथ्स निकल जाते हैं। वल्ली अपने नेबर्स के और उन सब के कॉन्वर्जेशंस को ध्यान से सुनती थी ताकि वो बस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, और कभी कभार वो डिस्क्रीट क्वेश्चंस भी कर लिया करती थी उन लोगों से जो ट्रैवल करते थे। अब ये डिस्क्रीट क्वेश्चंस क्या होते हैं? केयरफुल होकर कोई क्वेश्चन पूछना और इस तरह से बात करना और पूछना कि वो कॉन्फिडेंशियल रहे, किसी को भी कोई डाउट ना हो कि आप क्या करना चाहते हो और आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। सो वो डिस्क्रीटली क्वेश्चंस पूछ लिया करती थी उन लोगों से जो ट्रैवल करते थे। तो इतने सारे महीनों में लोगों की बातें सुनकर और उनसे कुछ सवाल पूछकर इस बस राइड के बारे में अलग अलग डिटेल्स इकट्ठा करके उसे ये पता चल जाता है कि विलेज से जो टाउन है वो 6 miles की दूरी पर है, एंड बस की जो टिकट थी वो 1 way की ट्रिप 30 paisa, विच वॉज नथिंग एट ऑल, बट वो वल्ली ये बहुत ज्यादा फेयर था, बिकॉज वल्ली को तो पूरे मंथ में इतने पैसे देखने नहीं मिलते थे, तो उसको लगा ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, जैसे फॉर्च्यून होती है। फॉर्च्यून मतलब अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी और एसेट्स। ओके, सो विलेज से टाउन का जो ट्रिप था उसमें 1 way का 45 minutes लगता था, एंड वल्ली ने सोचा कि शहर पहुंचने के बाद वो उसी बस में बैठी रहेगी, तो जब वो बस शहर से वापस गांव आएगी तो वो उस बस में दोबारा से 30 paise देकर वापस अपने घर पहुंच जाएगी। तो वो हिसाब लगाती है कि अगर वो दोपहर के 1 baje बस में बैठेगी तो 1:45 तक पहुंच जाएगी। बस वहां पे 15 minutes रुकेगी और उसके बाद जब वो बस 2 baje चलेगी तो वो 2:45 तक वल्ली अपने घर वापस पहुंच जाएगी। तो ये सब कैलकुलेशंस उसने बस में राइड लेने के लिए की थी। तो वल्ली ट्रिप को लेकर सोचे जा रही थी, प्लान कर रही थी, रीप्लान कर रही थी। एज ये उसकी फर्स्ट ट्रिप थी तो उसके मन में कैलकुलेशंस, रीकैलकुलेशंस, कंटिन्यूअसली ये थॉट्स जो हैं वो चल रहे थे। सो अब एक दिन स्प्रिंग के मौसम में, विच इज द मंथ ऑफ फैब और मार्च, स्प्रिंग कब आती है? फरवरी और मार्च के आसपास। तो प्लेजेंट सा मौसम था, दोपहर के टाइम में जो 1 baje वाली बस थी वो चलने ही वाली थी, जब एक छोटी सी बच्ची ने बस को रोकने के लिए ऑर्डर दिया, एंड एक छोटा सा हाथ, किसका हाथ था वो? वल्ली का, और वो बस को वेव कर रही थी कि बस को रोको। अब ड्राइवर ने आवाज सुनी और बस जो है वो क्रॉल करने लगी, क्रॉल मतलब धीरे धीरे चलने लगी, एंड देन ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और कंडक्टर ने अपना सर बाहर निकाल कर कहा, जिसको भी आना है उसे जल्दी से भेज दो, बस चलने वाली है। अब वल्ली ने फिर से चिल्लाया और कहा, मुझे जाना है, मुझे ही बस पे चढ़ना है। तो कंडक्टर ने बोला, अच्छा तुम्हें जाना है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वल्ली एक छोटी सी 8 साल की लड़की है, इसलिए कंडक्टर को विश्वास नहीं होता कि ये छोटी सी बच्ची अकेले कैसे ट्रैवल करेगी। वल्ली रिप्लाई करते हुए कहती है कि यस, मुझे ही शहर जाना है, एंड वो उसे कॉइंस दिखा देती है जो उसका फेयर है 30 paise। सो शी सेड, मेरे पास किराया भी है पैसे देने के लिए। तो कंडक्टर कहता है, ओके, अगर तुम्हें शहर जाना है तो तुम्हें बस में बैठना भी पड़ेगा, और ऐसा बोलकर उसने हाथ वल्ली की तरफ एक्सटेंड किया ताकि वल्ली बस में चढ़ सके। अब जो कंडक्टर था वो काफी जोवियल नेचर का था, चेयरफुल था, हंसी मजाक करता रहता था, एंड उसको एक छोटी सी बच्ची को देखकर उसकी हेल्प करना सही लगा, तो उसने हेल्प के लिए हाथ बढ़ा दिया। अब वल्ली कहती है कि नेवर माइंड, मैं खुद ही बस में चढ़ जाऊंगी, मैं खुद चढ़ सकती हूँ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। इस बात पर कंडक्टर कहता है, प्लीज मैडम मुझसे गुस्सा मत हो, आइए और आगे की तरफ सीट ले लीजिए। तो वो वल्ली का बस में वेलकम करता है। बस में केवल 6-7 passengers ही थे, फिर भी जो कंडक्टर है वो सबसे कहता है कि सब हट जाइए और मैडम को रास्ते के लिए रास्ता दीजिए। एज इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ द डे, तो ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। स्लैक टाइम मतलब जिस टाइम पर ज्यादा वर्क नहीं होता, ज्यादा रश नहीं होता। अब बाकी के सारे पैसेंजर्स वल्ली को देखकर हंस रहे थे अलोंग विद द कंडक्टर, एंड क्यों हंस रहे थे?
क्योंकि एक कंडक्टर एक 8 साल की बच्ची को यानी कि वल्ली को मैडम कह रहा था और उसका वेलकम कर रहा था। ये सब देखकर वल्ली शर्माने लगती है और सबसे अपनी नजरें बचाकर जाकर खाली सीट पर बैठ गई। उसे बहुत शाय फील हो रहा था बिकॉज सारे पैसेंजर्स उसे देखकर हंस रहे थे। आगे कंडक्टर ने वल्ली को कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम चलें? क्योंकि वल्ली की ही वजह से बस रुकी हुई थी। इतना बोलकर कंडक्टर ने 2 बार सीटी बजाई और बस चल पड़ी। अब इस चैप्टर में इस बस का भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सो जो बस थी वो न्यू थी, बिल्कुल नई थी। उसकी आउटसाइड सरफेस जो है वो व्हाइट कलर से पेंट है एंड अभी भी वो चमक रही है बिकॉज नया नया पेंट हुआ था। ऊपर उसके ग्रीन कलर की स्ट्राइप्स लगी हुई थी। अंदर जो ओवरहेड बार्स होते हैं जो कि स्टील के होते हैं वो भी चमक रहे थे जैसे कि चांदी के बने हों। ओवरहेड बार्स वो होते हैं जिसको हम बस में पकड़कर खड़े होते हैं। तो वल्ली के जस्ट सामने सेंटर ऑफ द बस में ऊपर छत पर एक क्लॉक लगी हुई थी विंडशील्ड के ऊपर। विंडशील्ड यानी कि फ्रंट का शीशा, जहां ड्राइवर बैठा होता है उसके सामने का जो बड़ा सा शीशा होता है उसे विंडशील्ड कहते हैं। और उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल क्लॉक लगी हुई थी। बस की सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल थी एंड इट वाज अ लग्जूरियस बस। नाउ जो वल्ली है वो कंफर्टेबल होके बस में बैठ गई थी। अब वो उन नजारों को जो उसे बस से दिख रहे थे वो उन्हें डिवॉर्ड कर रही थी। डिवॉर्ड मीन्स होता है एब्जॉर्व करना। यहाँ पे डिवॉर्ड से मतलब है कि वो उन नजारों को एंजॉय कर रही थी और बहुत ही मन भर के उस सीनरी को, उस व्यू को एंजॉय कर रही थी, देख रही थी। अब जब वल्ली ने बस की विंडो से बाहर देखना शुरू किया तो उसने देखा कि उसे तो बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा था बिकॉज उसकी हाइट तक विंडो पर एक स्क्रीन लगी हुई थी कैनवस की बनी हुई और वल्ली की हाइट उतनी नहीं थी कि वो बैठकर उन व्यूज को देख सके। तो फिर उसने क्या किया, वो खड़ी हो गई सीट पर एंड देन वो ऊपर के पोर्शन से बाहर देख पा रही थी। नाउ अब ये जो बस है वो कैनाल साइड से जा रही है। कैनाल मींस आर्टिफिशियल वाटरवे कंस्ट्रक्टेड टू अलाउ वाटर फॉर इरिगेशन। तो आप देख सकते हैं ये कैनाल है एंड साइड से ये बस चल रही है। अब ये जो रोड है जिस पर बस जा रही थी ये बहुत नैरो रोड थी, पतली रोड थी। एक साइड पर कैनाल बह रही थी, कैनाल के सामने पाम ट्री लगे हुए थे और बहुत सारी घास और फिर खेत एंड काफी दूर में कुछ पहाड़ियां दिख रही थी और उनके ऊपर नीला आसमां। तो इस तरह का ब्यूटीफुल सा व्यू था जो वल्ली को देखने को मिला। तो सड़क की एक साइड की सीनरी तो हमने अभी देखी, बट दूसरे साइड पर क्या था? दूसरे साइड पर एक डिच था, डिच यानी खाई। तो दूसरे साइड में एक गहरी सी खाई थी एंड उस खाई के बाद बहुत सारी ग्रीनरी एंड घास के खेत एंड इट वाज ऑल सो ब्यूटीफुल। अब वल्ली तो आराम से खड़े होकर बाहर का नजारा देख रही थी। तभी किसी ने उससे कहा कि तुम्हें ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। वल्ली ने ओबे किया, उसकी बात मान ली और वो बैठ गई। और फिर उसने देखा कि कौन बोल रहा है। तो एक एल्डरली मैन था, एक बूढ़ा सा व्यक्ति था। वो कंसर्न था कि कहीं वल्ली गिर ना जाए, उसे चोट ना लग जाए, इसलिए उसने वल्ली को बैठने को बोला। बट वल्ली को गुस्सा आ गया, वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे रेस्ट्रिक्ट करे। एंड देन वल्ली बड़े ही घमंड के साथ उस आदमी से कहती है, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। एंड वो कहती है, मैंने भी अपने किराए के 30 पैसे पे किए हैं बाकी सबकी तरह, तो मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तो अब कंडक्टर ने देखा कि वल्ली उस बूढ़े आदमी के साथ बहस कर रही है, तो उसने चाइम्ड किया। चाइम्ड मतलब इंटरप्ट करना और कॉन्वर्सेशन के बीच में बोलना, यूजुअली किसी बात को एग्री करने के लिए। तो कंडक्टर ने इंटरप्ट किया उनकी बातचीत में एंड उसने इस बूढ़े आदमी को कहा, सर ये छोटी सी बच्ची नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी मैडम है। क्या आपको लगता है कि एक छोटी सी बच्ची अपना खुद का किराया खुद पे कर सकती है और अकेली बस में ट्रैवल कर सकती है? अब वल्ली ने कंडक्टर को भी गुस्से से देखा और उसे कहा कि मुझे बार बार मैडम मत बुलाओ, मैं कोई मैडम नहीं हूँ, ये बात याद रखना, और आपने अभी तक मुझे अपना टिकट भी नहीं दिया है। अच्छा, कैन यू सी हर स्मार्टनेस? ऑल्दो वो सिर्फ 8 साल की है बट उसे पता है कि अगर उसने किराया दिया है तो उसे इससे टिकट भी लेना है। अब जैसे वल्ली बोल रही थी वैसे ही कंडक्टर ने सिमिलर टोन में उसको रिप्लाई किया और बोला, मैं याद रखूंगा। एंड बस के सारे पैसेंजर्स हंसने लगे और सबको हंसता देखकर वल्ली भी हंसने लगी। कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया और वल्ली को दे दिया एंड कंडक्टर उसको कहता है, आराम से बैठ जाओ, आपने अपनी सीट के पैसे दिए हैं तो आपको खड़े नहीं रहना चाहिए। तो वल्ली रिप्लाई करती है कि मैं खड़ी हूँ बिकॉज मैं खड़ी होना चाहती हूँ, और वो एक बार फिर से अपनी सीट पर खड़ी हो गई।
कंडक्टर ने फिर से उसे समझाया, अगर आप सीट पर खड़े होगे तो आप गिर सकती हो, एंड अगर बस ने टर्न लिया या किसी स्पीड ब्रेकर से टकरा गई तो बस हिल जाती है, पैसेंजर्स हिल जाते हैं, तो आप बैठ जाओ। वल्ली ने कंडक्टर को कहा कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं आपको बार बार कह रही हूँ मैं 8 साल की हूँ। तो कंडक्टर ने कहा, ओहो मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि आप 8 साल की हैं। अब बस एक बस स्टॉप पर रुकी और कुछ न्यू पैसेंजर्स बस में चढ़ गए तो कंडक्टर उनकी टिकट काटने में बिजी हो गया और वल्ली को डर लगा कि कहीं कोई उसकी सीट ले ना ले, तो वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। अब वल्ली की साथ वाली सीट पर एक बूढ़ी सी औरत आकर बैठ गई और जैसे ही बस चली उसने वल्ली से पूछा कि क्या तुम अकेली आई हो। अब वल्ली को ये जो बूढ़ी सी औरत है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, उसके कान के जो लोब्स थे उनके होल्स बहुत बड़े बड़े थे और उसने बहुत ही वियर्ड से इयररिंग्स पहने हुए थे। एंड इयरलोब्स क्या होता है? इयरलोब्स कान का वो नीचे वाला पार्ट होता है जहां पे इयररिंग्स पहने जाते हैं। ओके, अब इस बूढ़ी औरत के मुंह से बीटल नट की स्मेल आ रही थी, बीटल नट मींस सुपारी, तो वो सुपारी चबा रही थी और इसका जो जूस है वो उसकी सलाइवा के थ्रू कभी भी बाहर आ सकता था। इन सब चीजों की वजह से वल्ली को वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी एंड उसने फिर सोचा कि ऐसे अजीब से इंसान के साथ कौन बात कर सकता है। अब वल्ली उसके आंसर्स देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, बट फिर भी वो उसको जवाब देती है कि हाँ मैं अकेली ही ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है। कंडक्टर ने बीच में फिर से इंटरप्ट किया और कहा, हाँ ये शहर जा रही है एंड इसने 30 पैसे पे करके अपना टिकट भी लिया है। जब कंडक्टर ने अगेन इंटरप्ट किया तो वल्ली कहती है, आप अपने काम से मतलब नहीं रख सकते, सबकी बातों में बीच में क्यों बोलते हो। इतना कह के वल्ली हंसने लग गई और कंडक्टर भी हंसने लग गया। आगे क्या होता है, इस बूढ़ी सी औरत ने अपनी बातें कंटिन्यू रखी और उसने वल्ली से कहा, इतने छोटे से इंसान के लिए अकेले ट्रैवल करना सेफ नहीं है, तुम्हें पता है तुम किस शहर जा रही हो और क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन सी स्ट्रीट में तुम्हें जाना है और किस हाउस नंबर में जाना है। तो वल्ली ने उस लेडी को कहा, आपको मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, एंड उसने अपना फेस विंडो की तरफ कर लिया और बाहर देखने लगी। तो वल्ली ने अपनी पहली बस जर्नी के लिए कितने सारे डिटेल्स एंड फोकस्डली प्लान्स बनाए थे और इसीलिए वो उस जर्नी को एंजॉय करना चाहती थी। वल्ली ने बहुत मुश्किल से बस के किराए के पैसे इकट्ठे किए थे। जब भी उसके दिल में कोई विश होती थी, कैंडीज खरीदने की, टॉयज खरीदने की, बलून्स लेने की, एंड जो भी उसको पसंद होता था उन सारी चीजों को लेने से उसने खुद को रोका एंड कॉइन कॉइन करके जो भी उसे मिलता था उन्हें इकट्ठा कर लेती थी और ऐसे उसने किराए के पैसे जोड़े थे। अब वल्ली वो दिन याद कर रही है जब वो गांव के मेले में गई थी, वहां पर मैरी गो राउंड के झूले पे उसको बैठना था, उसका बहुत मन था लेकिन उसने अपने आप को रोका, कंट्रोल किया, क्योंकि वो ये पैसे अपने बस ट्रिप के लिए बचाना चाहती थी। अब जब वल्ली ने किराए के 60 पैसे जोड़ लिए थे तो उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी? बिना उसकी मदर को पता चले घर से उसे बाहर निकलना था, बट उसने ये प्रॉब्लम भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर ली। क्या किया वल्ली ने? अब हर रोज की तरह दोपहर के समय 1 बजे से 4 बजे तक वल्ली की जो मदर है वो सो जाती थी। तो जब उसकी मदर दोपहर में 1 से 4 बजे तक सो जाती थी, इस एक्सकर्शन टाइम में वल्ली बाहर घूमने जाया करती थी। तो या तो वो गांव चली जाती थी या अपने घर के दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी। एक्सकर्शन मतलब होता है कि कोई ऐसा ट्रिप जो अपने एंजॉयमेंट के लिए या जो अपने फन के लिए किया हो। सो आज उसने प्लान किया कि वो बस ट्रिप पर जाएगी। अब उनकी बस जहां से ट्रैवल कर रही थी वो सीनरी बदल गई थी। अब एक बेयर लैंडस्केप था, यानी कि उस एरिया में कोई पेड़ नहीं थे, बस थोड़े बहुत पौधे लगे थे और साइड में छोटा सा सेटलमेंट भी था, हैमलेट था। हैमलेट मींस एक ऐसा एरिया जहां पर कुछ घर है बट वो गांव से, विलेज से छोटा है। एंड फिर वो जो बस है वो रोड साइड वाली शॉप्स को पास करते हुए जा रही थी। अब उनकी बस जब जा रही थी तो ऐसे लगता था कि सामने से आने वाले छोटे से व्हीकल जो हैं वो बस गॉबल कर जाएगी। गॉबल कर जाएगी मतलब अपने में समा लेगी। और कभी ऐसा लगता था कि जो पेडेस्ट्रियन हैं, जो लोग वॉक कर रहे हैं, सड़क क्रॉस कर रहे हैं, उन्हें बस गॉबल कर जाएगी। लेकिन ये जो बस है ये आराम से चलती गई और हर रुकावट को पार करती गई और किसी से टकराई नहीं। एंड वल्ली को लग रहा था कि बस किसी को गॉबल कर जाएगी या टकरा जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ, बस बहुत ही स्मूथली चलती गई। अब आगे क्या होता है, आप अगर किसी भी व्हीकल में बैठे हैं तो आप क्या देखेंगे कि जो सड़क की एज पे पेड़ लगे हुए हैं, जब आप उनकी तरफ जा रहे हो तो आपको लगेगा कि पेड़ आपकी तरफ आ रहे हैं।
जब आप उनके साइड में होंगे तो आपको लगेगा पेड़ खड़े हुए हैं, और जब आप उन्हें क्रॉस कर जाएंगे तो पेड़ पीछे रह जाएंगे, तो आपको लगेगा कि पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे हैं। वल्ली को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। अब अचानक से बस की स्पीड स्लो हो गई और ड्राइवर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। जैसे ही ड्राइवर ज्यादा हॉर्न बजाने लगा था तो क्या हो रहा था, ये जो जानवर है जो बस के आगे आगे था वो और ज्यादा डर जाता था और तेज तेज बस के आगे भागने लगता था। अब वल्ली को ये सीन बहुत फनी लग रहा था कि ये जो ड्राइवर है जब तेज तेज हॉर्न बजाता है तो वो जो जानवर है बस के आगे आगे तेज तेज भागने लग जाता है। वो हंस हंस के इतनी पागल हो गई कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे और कंडक्टर ने उसे कहा कि मुझे लगता है कि तुम बहुत हंस ली हो, कुछ हंसी कल के लिए भी रख लो। तो वो बस उसे कह रहा था कि अब हंसना बंद करो। अब ये जो गाय है वो फाइनली रोड के नीचे उतर गई, लेकिन तभी एक रेल क्रॉसिंग आ गई और वो क्रॉसिंग बंद थी क्योंकि एक ट्रेन आ रही थी। तो अभी ट्रेन बहुत दूर थी और ऐसा लग रहा था कि एक छोटा सा स्पॉट है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है जैसे जैसे ये ट्रेन पास आ रही थी। ये ट्रेन जब क्रॉसिंग गेट से क्रॉस की तो सब कुछ हिलने लग गया, सारे व्हीकल्स रोर कर रहे थे, रैटल कर रहे थे। रोर एंड रैटल आर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड जब वो ट्रेन उनके पास से निकली, और ये बस भी बहुत हिल रही थी। जैसे ही ट्रेन वहां से निकल गई वो रेलवे क्रॉसिंग खुल गई और बस एक बार फिर से चलने लगी। आगे क्या होता है कि ये जो बस है ये बहुत भीड़ वाली शॉपिंग स्ट्रीट से ट्रैवर्स्ड करती है। ट्रैवर्स्ड मींस किसी के बीचों बीच से निकलना। आगे बस ने जैसे ही मोड़ लिया तो एक वाइडर थोरोफेयर यानी कि एक बिजी पब्लिक रोड आ गई जहां से बस जा रही थी। तो ये एक छोटा सा शहर था जिससे बस क्रॉस हुई। तो ये जो शॉप्स थी ये बहुत ही ब्राइटर थी, ग्लिटर कर रही थी, एंड सारी शॉप्स पर बहुत ही सुंदर सुंदर सामान, नए नए कपड़े और भी कई अन्य सामान डिस्प्ले किया हुआ था, सेल पे रखा हुआ था। बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे जो शॉपिंग कर रहे थे। तो ये जो लोकेशन है ये टाउन है, वो शहर है जो इस बस का डेस्टिनेशन है, और वहां पर पहुंचकर बस रुक गई। वल्ली तो पूरी तरह से स्ट्रक डम थी। स्ट्रक डम मतलब बहुत ही शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। तो वल्ली हैरान थी, वो सारी सुंदर सुंदर शॉप्स गेप्ड होकर देख रही थी, क्राउड को देख रही थी। गेप्ड मतलब लुक्ड विद ओपन वाइड आईज। सो वल्ली वाज स्ट्रक डम एंड गेप्ड। आगे सब लोग बस से उतर गए एक्सेप्ट वल्ली। अब उस कंडक्टर ने वल्ली को कहा, क्या तुम बस से नहीं उतरोगी, जो तुमने किराया दिया था 30 पैसे का अब वो पूरा हो गया है एंड हम डेस्टिनेशन पे हैं। वल्ली ने कहा, नहीं नहीं मुझे तो वापस इसी बस में जाना है, एंड उसने दोबारा से अपनी पॉकेट से 30 पैसे निकाले और कंडक्टर को दे दिए क्योंकि उसे तो वापस अपने गांव जाना था सेम बस से। कंडक्टर पूछता है, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है जो कि तुम वापस जा रही हो। वल्ली कहती है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस में सिर्फ राइड लेने के लिए आई थी। तो कंडक्टर वल्ली को कहता है कि अब तुम शहर आ गई हो तो क्या तुम शहर में घूमना नहीं चाहती या अलग अलग नई नई चीजें नहीं देखना चाहती। तो वल्ली ने कंडक्टर को कहा कि जब मैं अकेली शहर जाऊंगी देखने तो मुझे बहुत डर लगेगा। ये बात सुनकर कंडक्टर अम्यूज्ड हो गया, हंसी आ गई उसको। Amused means something is funny or entertaining. फिर कंडक्टर ने वल्ली से कहा कि तुमको बस में बैठने से तो डर नहीं लगा। फिर वल्ली कंडक्टर को रिप्लाई करती है कि बस में बैठना कोई डर वाली बात नहीं है। तो कंडक्टर ने कहा, फिर तो वहां तक स्टॉल तक जाने में, ड्रिंक लाने में भी डर की कोई बात नहीं है, तो तुम्हें जाकर कुछ पी लेना चाहिए। उसने कंडक्टर को कहा कि मैं स्टॉल तक जाकर कोल्ड ड्रिंक भी नहीं ला सकती। तो कंडक्टर ने कहा, चलो मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक ला देता हूँ। लेकिन वल्ली के पास सिर्फ 60 पैसे थे जो उसने टिकट में दे दिए थे, तो उसके पास कोल्ड ड्रिंक के लिए पैसे नहीं थे। तो उसने कंडक्टर को कहा, मेरे पास अब कोई पैसे नहीं है, जितने भी थे वो मैंने अपनी टिकट में दे दिए, तो अब आप मुझे अपनी रिटर्न टिकट दे दो। कंडक्टर ने वल्ली को ऑफर दिया कि मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, तुम्हें इसकी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। बट वल्ली फिल्म थी, उसने मना कर दिया कि नहीं। कंडक्टर ने अपने शोल्डर ऊपर उठाए और फिर उसे ये लगा कि ये बच्ची कोई बात नहीं मानेगी, इसलिए वो चुपचाप जाकर बैठ गया और वापस बस के रिटर्न होने का इंतजार करने लगा। अब आगे क्या होता है, रिटर्न जर्नी में भी बस में ज्यादा सेट ऑफ पैसेंजर्स नहीं थे और कंडक्टर ने वल्ली से पूछा, क्या तुम्हारी मदर तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी। तो वल्ली रिप्लाई करती है कि नहीं नहीं कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा, बिकॉज शी नोज कि उसकी मदर तो सो रही होंगी। तो बस एक बार फिर से चल पड़ी और फिर से वल्ली सारे सुंदर नजारों को एंजॉय करने लगी। वो बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही थी और दोबारा से उन्हीं चीजों को देखकर वो उतना ही एक्साइटेड फील कर रही थी। ऑन द वे बैक
अचानक से वल्ली ने देखा कि सड़क के किनारे एक गाय लेटी हुई है और उसे देखकर लगता है कि कोई तेज गाड़ी टक्कर मारकर चली गई और तभी वो गाय वहां पर गिर गई। वल्ली ने कंडक्टर को पूछा, क्या ये वही गाय है जो कि शहर जाते हुए बस के आगे आगे दौड़ रही थी? कंडक्टर ने सैडली अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहा और वल्ली बहुत दुखी हो गई। उसे रियलाइज हुआ कि ये तो वही गाय है जो तेज तेज दौड़ रही थी और अब वो घायल हो गई, गिरी हुई पड़ी है। वल्ली इमेजिन कर रही थी कि काउ कितनी सुंदर थी, कितनी प्यारी सी थी और कुछ टाइम पहले ही उसको भागते हुए देखा था, लेकिन अब अचानक से उसका सारा चार्म एंड अट्रैक्टिवनेस सब खत्म हो गई। वो कितनी गंदी लग रही है, हॉरिबल लग रही है, क्योंकि उसकी टांगे चारों तरफ फैली हुई हैं, बाहर निकली हुई हैं। उसकी आंखों में जान नहीं है और ऐसा लग रहा है कि वो घूर रही है और चारों तरफ उसका ब्लड निकला पड़ा है। अब बस आगे की तरफ चलती रही और वल्ली के माइंड में वो मरी हुई गाय हॉन्ट होती रही। हॉन्ट मतलब रिपीटेडली कोई थॉट मन में आना जिसे भूलना मुश्किल हो। तो वल्ली को बहुत दुख हो रहा था कि गाय बेचारी मर गई और वो बहुत सैड हो जाती है ये सब देखकर। अब वल्ली इतनी ज्यादा दुखी हो जाती है कि उसका बाहर देखने का कोई मन नहीं होता। वो एंथुसियाज्म, वो एक्साइटमेंट, सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो गया। अब उसे बाहर देखने का कोई मन नहीं था। वो अपनी सीट पर बैठी रही और फाइनली उनकी बस 3:40 पर गांव वापस पहुंच गई। वल्ली अपनी सीट से खड़ी हुई, अपनी बॉडी को उसने स्ट्रेच किया जैसे कि हम लोग लॉन्ग जर्नी के बाद बहुत टायर्ड फील करते हैं, तो वो भी उसी तरह से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने लगी और फिर उसने कंडक्टर को थैंक्स कहा और कहा कि आशा करती हूँ कि आपको दोबारा देखूंगी। कंडक्टर ने वल्ली को कहा, ठीक है मैडम, थैंक्स फॉर टेकिंग द राइड और जब भी आपका मन करे बस में घूमने का तो आप आ सकती हैं। फिर वो कहता है, अपना किराया लाना मत भूलिएगा। वल्ली हंस कर बस से उतर गई और अपने घर भागी भागी गई। वल्ली जैसे ही घर पहुंची तो उसने जाकर देखा कि उसकी मदर उठी हुई थी और वल्ली की एक आंट जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती थी वो आई हुई थी वल्ली की मदर से मिलने। और ये जो आंट है बहुत बातूनी थी, जब बोलना शुरू कर देती थी तो रुकती ही नहीं थी और उसने वल्ली को कैजुअली कहा कि तुम कहाँ थी और वल्ली को ऐसा लगा कि वो नहीं चाहती कि वल्ली कोई उसे जवाब दे, इसलिए वल्ली ने स्माइल किया और उनकी मदर और आंट आपस में बातें करती रही। वल्ली की मदर ने उस आंट को कहा कि हमारे आसपास, हमारे बीच में कितनी सारी चीजें चलती रहती हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर चीज के बारे में जान सकें। आगे वल्ली की मदर कहती हैं, अगर हमें किसी चीज के बारे में पता भी होता है तो भी हम उसे पूरी तरह से नहीं समझ पाते। और वल्ली ने उनकी बातें सुनकर कहा कि आप बिल्कुल सही कह रही हो। तो वल्ली की मदर ने कहा कि तुम क्या कह रही हो? वल्ली कहती है, जो आप कह रही हो मैं भी वही कह रही हूँ। वल्ली ने अपनी मदर को कहा कि मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ कि हमें चीजों की नॉलेज नहीं होती, वो बिल्कुल सही बात है। तो वल्ली ने जब इंटरप्ट किया तो उसकी आंट ने कहा कि वल्ली बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करती, इसलिए वो दो बड़ों की बातों में इंटरप्ट कर रही है। कितनी छोटी सी है लेकिन बड़ों की बातों में भी अपनी नाक घुसाती रहती है, एज इफ वो बहुत बड़ी है। ऐसा बोलकर आंटी ने वल्ली को गुस्सा किया। आंट की बातें सुनकर वल्ली स्माइल करने लगी। वो नहीं चाहती थी कि आंट उसकी स्माइल देखें क्योंकि हो सकता है कि वो उसे दोबारा गुस्सा करें। और फिर वल्ली ने सोचा कि वो उसकी स्माइल का मतलब समझ भी नहीं पाएंगी। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आएगी एंड अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड बेल आइकन को दबाएं आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।